लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र जी की ये पंक्तियाँ काश हिंदुस्तान का हर वो शख्स समझ जाए जिसके दिल में दिमाग में नफ़रत भरी जा रही। और इसी नफ़रत का जहर कल मध्य प्रदेश के खरगोन में उगला गया, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, घरों में तोड़फोड़ की गई। खरगोन के पुलिस अधीक्षक की तत्परता के चलते रात में ही भारी पुलिस दल तैनात कर मामला शांत कर दिया गया। जब हमारे संवाददाता अजय तिवारी ने उनसे पूरा माजरा जानना चाहा तो एसपी खरगोन ने कहा कि माहौल शांतिपूर्ण है, कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। हमारे चैनल की खरगोन जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से अपील है कि वे सोशल मीडिया पर सख्ती से लगाम लगाएं और माहौल खराब करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही करें, क्योंकि पूरा पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पर जहर फैलाया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम इस रूप में सामने आता है, जिसे आम जन को भोगना पड़ता है। जैसे बीती रात शहर के संजय नगर और मोतीपुरा में दो पक्षों में विवाद हो गया, उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। पथराव की सूचना मिलने पर पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। मामला गंभीर होने पर रात में ही भारी पुलिस दल तैनात कर मोतीपुरा और संजय नगर जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए गए। अगले दिन सुबह प्रशासन ने शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में रखी, जिसमें दोनों समाज के समाजजन शामिल हुए। बैठक के बाद प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाजजनों के साथ में शांति मार्च निकाला गया और शहर में शांति रखने की अपील की गई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये हमारा खरगोन शहर का एक त्रिवेणी चौक जगह है, जहाँ अमूमन कुछ लोग खड़े रहते हैं। वहाँ तीन चार को शराब पिए हुए लड़के खड़े थे, जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे। एक बुजुर्ग दराज वहाँ से गुजरे, उन्होंने कुछ टोकने की उन लोगों को कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको नज़रअंदाज करते हुए उन पर लपके, और किसी ने एक पीछे से पत्थर फेंका जो उनको चोट लग गई थी। उस समय आसपास के लोगों में एक कुछ देर के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि कोई झगड़ा हो गया है, और एक मोहल्ले में थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने पथराव करने की कोशिश की। होली की वजह से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी, हम लोगों ने कुछ ही घंटों में सब स्थितियों पर काबू पा लिया है। हमारे पास मुकम्मल पुलिस है, सभी जगह पुलिस का इंजाम लगा हुआ है। शहर में पूरी शांति है, बिल्कुल शहर में जैसा कल था ऐसा ही आज बहाल है। सभी दुकानें स्कूल सब खुले हुए हैं, और अभी हम अमन कमेटी के शहर के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और एक शांति मार्च निकालने जा रहे हैं, जो इस बात का संदेश है कि शहर में कोई गड़बड़ चाहता नहीं है। हमारे सब लोग अमन पसंद हैं, और शांति मार्च के जरिए हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो फितरत करने की उसमें रहते हैं, कि किसी तरह का शहर में फितरत न फैलने दिया जाएगा और सख्ती से पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सर, पेट्रोल पंप का भी उपयोग हुआ था कुछ जगह से, ऐसा लगा था कि किसने कुछ बोतलों में कुछ इस तरह की चीज़ें फेंकी हैं। तुरंत काबू पाया गया, शहर पूरी तरह से शांति में। एक आध छुटपुट घटना उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कौन दो चार उसके पीछे हैं उसका सब क्लियर कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने राउंड अप किया है, उनके खिलाफ पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, पुलिस कार्रवाई अलग से की जा रही है। पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, आपको भी चोट लगी? कुछ छोटे मोटे पुलिस छोटे मोटे पत्थरों से करीब आधा दर्जन पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।